मुल्क में कानून की बालादस्ती की जोहद कर रहे हैं। बनाना रिपब्लिक में कमजोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून होता है। यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, इसलिए पीडीएम जैसे अलायंस बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म का नौशहरा में जलोजई हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब, कहा शुगर माफिया महंगी चीनी बेचकर पैसे बनाता है और टैक्स नहीं देता। हर जगह ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकतवर की सहूलतकारी करे तो वो कानून के नीचे नहीं आएगा। माफिया ने वज़ीर-ए-आज़म से दस्तखत करवा कर चीनी महंगी की और बरामद भी की। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म जिद छोड़ें, अवाम पर रहम खाएं, इस्तीफा देकर घर जाएं। टीएलपी कलदम करार दिए जाने के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकती है। साद रिजवी को कानून का सामना करना पड़ेगा। सरबराह टीएलपी पर मुकदमे समेत 210 एफआईआर कानूनी अमल से गुजरेंगे। वज़ीर दाखला शेख रशीद ने बताया 733 में से 669 अफराद को रिहा किया जा चुका है। बरतानवी हाई कमिश्नर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का कहा है। सिंध असेंबली में फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ नामोस रसालत की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में विफाक़ी हुकूमत से यूरोपीय यूनियन के सामने मामला उठाने की अपील की गई है। बात करने की इजाज़त न मिलने पर हलीम आदिल शेख का एहतजाज, हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार बन गया। कोरोना की सूरत हाल खतरनाक, मुल्क के बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन का खदशा। एसओपीज पर अमल ना किया तो बंदिशें बढ़ाना पड़ेंगी। सरबराह एनसीओसी असद उमर की अपील, कहा मजीद फैसले कर लिए हैं, ऐलान जुमे को किया जाएगा। पाकिस्तान में वबा के आगाज से अब तक इस हफ्ते हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है। रमजान का सदका, तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़े। गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।